जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम निखिल है। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस की यूट्यूब चैनल पे आज मैं एक नई यूट्यूब प्लेलिस्ट रिलीज कर रहा हूँ। उसका टाइटल रहेगा सिलेक्टेड वर्सेस ऑफ भागवत गीता एक्सप्लेन्ड। तो कुछ श्लोक, चुनिंदा श्लोक, बिकॉज सब लोग टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई थॉट कि चलो एटलीस्ट कुछ श्लोक, सारी भागवत गीता अगर नहीं भी कोई समझ पा रहा है तो स्टार्ट अप विद, अगर कुछ सिलेक्टेड वर्सेस को वो अपनी ज़िंदगी में उतारे, अपना भगवान से कनेक्शन बनाए, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन कैन गेट लॉट ऑफ पीस इन हिज लाइफ। तो दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में भागवत गीता क्या है, डिटेल में समझने के लिए आप मेरा व्हाट इज़ भागवत गीता पे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देखिए। बस जस्ट टू समराइज, जो भी हमारा वैदिक सिस्टम है उसका सारा का सारा निचोड़, उसका जूस, उसका सारा का सारा सार भागवत गीता में है। भागवत गीता आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। किस लिए बताई थी? सिंपल शब्दों में इसलिए बताई थी कि अर्जुन अपने लाइफ के स्ट्रगल्स, जो कुरुक्षेत्र में उसके स्ट्रगल चल रहे थे, उसको ठीक तरह से डील कर सके भगवान से जुड़े रह के। लेकिन भागवत गीता की इम्पोर्टेंस हमारी ज़िंदगी में क्या है दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे अर्जुन अपनी ज़िंदगी के कुरुक्षेत्र के स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व है, वैसे ही हम सब की ज़िंदगी में भी एक कुरुक्षेत्र चल रहा है। अब कुरुक्षेत्र क्या है हमारे लिए, उस पर प्लीज़ मेरा ABCD मॉडल का वीडियो देखिए। दैट इज़ ABCD, अंदरूनी, बी फॉर बेसिक फैमिली लाइफ, सी फॉर करियर, डी फॉर डिवोशन। तो ये सारे हमारी ज़िंदगी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। तो अर्जुन को तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगल में डाल दिया गया। क्या करना था उसको, आप सोचिए, महाभारत में उसको अपने बॉडीली रिलेशन से, उसके अपने रिश्तेदार हैं, अपने दादाजी, अपने गुरु, सबसे फिजिकली लड़ाई करनी थी। अब भगवान ने इतना एक्सट्रीम एग्जांपल क्यों लिया अर्जुन के केस में, हमें कुछ समझाना चाहते हैं वो। अगर अर्जुन अपनी ज़िंदगी की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी भगवान की भगवद गीता का ज्ञान लेके इन द एंड विक्टोरियस हो पाया, तो हमारी लाइफ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सोचिए वो अर्जुन की कॉम्प्लिकेशंस के सामने क्या हैं। ऐसा सोचते हैं कि इसका एक स्केल बनाते हैं कि 10 इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन और 0 इज़ द लीस्ट कॉम्प्लिकेशन। तो अर्जुन की प्रॉब्लम्स 10 पे हैं, तो आप सोचिए आपकी प्रॉब्लम्स और मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, 2 पे, 3 पे। तो अगर अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भगवान की भागवत गीता का ज्ञान लेके, तो मेरी और आपकी क्यों नहीं हो सकती। भगवान ने अर्जुन की सिचुएशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्यों ली दोस्तों, क्योंकि जब हम अज्ञान में होते हैं तो हमारा एक नेचर होता है कि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन भगवान ने सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल लेके एक्चुअली ये मौका ही हमसे छीन लिया है कि हम कहीं ये ना बोल देंगे, नहीं नहीं चलो अर्जुन की प्रॉब्लम तो छोटी थी, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अर्जुन की ज़िंदगी से हमें रिलेट करना है साइकोलॉजिकली, तभी हम भागवत गीता को समझ पाएंगे। तो अर्जुन ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब मानव को रिप्रेजेंट कर रहा है, मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो भगवान कृष्ण हैं वो भगवान हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं जो परफेक्ट हैं, जिनमें कोई कमी नहीं है। तो जीवन के इस जंजाल से, इस माया जाल से हमें वही निकाल सकता है, इस भूल भुलैया से हमें वही निकाल सकता है जो इस सबसे ऊपर है। इस माया जाल से ऊपर कौन है? जो मायापति है। मायापति कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो जब हम अर्जुन से साइकोलॉजिकली लिंक करके ये समझेंगे कि अर्जुन की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी कैसे जुड़ी हुई है, अर्जुन के भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, हमें उसको लिटरली नहीं लेना है कि उसकी लड़ाई हो रही थी फिजिकली और हमारी तो नहीं हो रही, बट हमारे भी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे हैं, रिश्तों में तनाव, कई बार वर्क प्लेस पे इश्यूज़ हो जाते हैं, ये भी एक तरह की फ़ाइट ही चल रही है। तो उस फाइट में हम सब विक्टोरियस होना चाहते हैं। तो विक्टोरियस कैसे हम होंगे? जब हम अर्जुन की तरह भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। जैसे अर्जुन ने चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में भगवान को कहा कि भगवान मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, आप प्लीज़ मेरे गुरु बन जाओ और मेरी हेल्प करो। जब इस तरह का भाव हम सब के अंदर आएगा, हम प्रेयर्स करेंगे भगवान के साथ और हम्बल होकर चलेंगे और ये समझेंगे कि हमें एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। हमें क्लैरिटी तभी मिल सकती है अगर हमें भगवान गाइड करें। तो जब हम इस तरह की प्रेयर्स करते चलेंगे, इस भाव के साथ चलेंगे, तब हमें भागवत गीता अच्छी तरह से समझ आ सकती है।
जो इंसान भागवत गीता को एक बस बुक की तरह पढ़ेगा एरोगेंस के साथ कि उसका बहुत ज़्यादा दिमाग है और वो सब कुछ समझ लेगा, उसको भागवत गीता में कुछ समझ नहीं आने वाला। तो फर्स्ट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड भागवत गीता इज ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सेकंड, वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड। भगवान के लिए एक हाई लेवल की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे अर्जुन की दिल में भगवान कृष्ण के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। तो जब रिस्पेक्ट होगी बहुत ज़्यादा भगवान के लिए और हम हम्बल होकर चलेंगे तो हम भागवत गीता समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि डिवोटी जब भागवत गीता पढ़ते हैं तो उनको भगवान बहुत सारे श्लोक में जो रिकमेंड करते हैं वो बहुत हाई फाई बातें लगती हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि भागवत गीता के जो श्लोक हम पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें बहुत सारी बातें जो भगवान बता रहे हैं वो परफेक्शन की बातें हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लेते हैं कि जो भगवान बताएंगे वो परफेक्शन है। लेट्स से परफेक्शन इज 100 और लेट्स से द जर्नी स्टार्टेड इज 0, 0 से हम शुरू हुए हैं और 100 इज़ द बेस्ट। ठीक है, अब हो सकता है कोई उस जर्नी के 15 पे पहुंचा है, कोई 20 पे पहुंच गया है, कोई 25 पे, कोई 45 पे। ठीक है, अब जब भगवान परफेक्ट स्टेज के बारे में बता रहे हैं तो हमें विचलित नहीं होना है, हमें बस ये समझना है कि हम उस स्टेज की तरफ एक कदम कैसे बढ़ाएं। जैसे दोस्तों, जब हम प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो हम पीएचडी में एक दिन में नहीं पहुंचते, क्या पहुंच जाते हैं। जब हम फिफ्थ क्लास में होते हैं तो हम बस इतनी मेहनत करते हैं कि हम सिक्स्थ क्लास में पहुंचे। जब हम सिक्स्थ में होते हैं बस हम उतनी मेहनत करते हैं कि हम सेवन्थ में पहुंचे। फिर धीरे 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 अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम हायर लेवल्स पे पहुंचते रहेंगे। वैसे ही भगवान ने जो बताया है वो हाईएस्ट लेवल की बातें बताई। ठीक है, क्योंकि गोल तो पता होना चाहिए ना। जैसे जब हम स्कूल कर भी रहे होते हैं तो हमें एटलीस्ट ये तो पता होता है कि हम एक दिन ये MBA करेंगे या हायर स्टडीज़ करेंगे, उसके बाद हमें जॉब मिलेगी। लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए फिर हमें सब्सिक्वेंट लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है, सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है। तो वैसे ही भगवद गीता के ज्ञान में, वैदिक ज्ञान में, स्पिरिचुअलिटी में भी पेशेंस बना के और सिस्टमेटिकली हमें चलना पड़ेगा। आइडियल स्टेज वो है जो भागवत गीता के श्लोक में आप समझोगे, लेकिन अगर हम उसका कुछ कुछ परसेंटेज में भी उस तरफ बढ़ना शुरू कर दें तो हम लोग स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वील गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड और हमें लगेगा कि शायद ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। बट भगवान आपसे या मुझसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हम दो दिन में ये सारी बातें अपने जीवन में उतार लेंगे, तभी ये यात्रा लाखों करोड़ों जन्मों की है। यस, बट हमें अगर क्लैरिटी मिल जाए, भागवत गीता हमें वो क्लैरिटी देगी कि करना क्या है ज़िंदगी में, क्या करें क्या ना करें, और जो करें वो कैसे करें, कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल करें, कैसे अपनी लाइफ में पेशेंस लाएं, कैसे बेहतर इंसान बने, हाउ टू बी हैप्पी। असली में सक्सेस क्या है, इनर सक्सेस एंड एक्सटर्नल सक्सेस। हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। कैसे हम इतने पॉजिटिव रह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी की तो अच्छी तरह चलाएं, अपने परिवार की भी मदद करें, लेकिन पूरे समाज की, दो वासुदेव कुटुंबकम, मतलब भगवान के बच्चे ही है ये सारे, उनकी भी कैसे मदद करें। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब कुछ सिस्टमेटिकली होगा और हमें अपनी ग्रोथ को परसेंटेज में देखना पड़ेगा। अगर हमारी पॉजिटिविटी में बूंद बूंद से सागर बनता है, एज यू नो, पॉजिटिविटी में अगर हम 1%, 2%, 3% बढ़ते जा रहे हैं और अपनी नेगेटिविटीज़ को परसेंटेज में घटाते जा रहे हैं, इस मॉडल से अगर हम भागवत गीता को समझेंगे तो हमें ज़्यादा प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अपनी ज़िंदगी में उतारने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेयर्स के रोल को ना भूलें। प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। कई बार लोगों को लगता है भाई हम किससे गाइडेंस ले, आजकल तो कलयुग चल रहा है, इतने सारे लोग गुरु बन गए हैं, चीटिंग करते हैं। कोई बात नहीं, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की कैमरा हर जगह फिट है, आप गाइडेंस वहीं से लें जहाँ आपको सही में सही लगता है। नहीं तो आप कम से कम भगवान को प्रेयर्स तो कर सकते हो कि भगवान मुझे प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, मुझे हेल्प चाहिए आपकी, और आप खुद तो मेहनत कर सकते हो। आप भगवान का नाम लेना तो शुरू कर सकते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप भगवद गीता पढ़ना तो शुरू कर सकते हो। अगर आप पढ़ोगे भगवद गीता और साथ साथ में चैंटिंग करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्योरिटी डेवलप होगी। एक बुद्धिस्ट प्रभाव ये कहता है कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो जैसे जैसे आपकी प्योरिटी बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली जो गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है भगवान विल ऑर्गेनाइज दैट। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हमें कुछ कहीं से शुरुआत तो करनी है दोस्तों।
तो वो क्यों ना हम शुरुआत भागवत गीता समझ के अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें और साथ साथ में चैंटिंग करते रहें। अगर हम ये दोनों चीज़ों को साथ साथ में करते रहेंगे तो हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी, जिसका ये मतलब है कि हम अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी से, हैप्पीनेस से लीड कर सकते हैं और इस समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं भागवत गीता के कुछ सिलेक्टेड वर्सेस को आप सबके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाएँ तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मेरी इंटेंशन यही है कि सब लोग भगवान के साथ जुड़ें और लाइफ में उस पीस को, उस सेटिस्फेक्शन को अनुभव करें जो हम कहीं ना कहीं दुनिया की दौड़ में बाहर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा।